अपकमिंग गेम्स के दूसरे एपिसोड में आज हम जानते हैं नवंबर महीने में आने वाली कुछ एडवेंचरस और एक्शन गेम्स के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। पर नवंबर से पहले बात करते हैं अक्टूबर में आने वाली बेस्ट गेम्स, जैसे कि WWE 2K20 जो अक्टूबर 22 को हमें मिल जाएगी, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर जो हमें अक्टूबर 25 को PS4, PC और Xbox One पे हमें देखने को मिल जाएगी। जुमांजी गेम एक एक्शन और एडवेंचर से भरपूर बहुत ही क्रेजी और एडवेंचरस गेम होने वाली है। जैसा कि जुमांजी मूवी में बताया गया है वैसा ही इस गेम में देखने को मिलने वाला है। डेडली एनिमल्स आपको मारने के लिए आने वाली मर्डर्स की आर्मी और बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी। मूवी की तरह खेलने के लिए हमें इस गेम में चार प्लेयर का ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन, रूबी, मूस एंड प्रोफेसर ओबेरॉन, जिसकी एबिलिटी और क्षमताएं अलग अलग होगी और जिसे हम अपग्रेड भी कर सकेंगे। और इस गेम को हम सिंगल प्लेयर मोड, मल्टीप्लेयर मोड और स्प्लिट स्क्रीन में भी खेल पाएंगे, जो हमें नवंबर 15 के आसपास देखने को मिलने वाली है, जिसे हम PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch जैसे प्लेटफॉर्म पर यह गेम रिलीज होने वाली है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इस गेम में विंडोज 7, 8 और 10 पे ये गेम चल जाएगी। प्रोसेसर इन 2.4 GHz का इंटेल का ड्यूअल कोर प्रोसेसर इस गेम में चल जाएगा। मेमोरी की बात करें तो हमारे पीसी में कम से कम 4 GB की रैम तो होनी ही चाहिए। ग्राफिक कार्ड हमारे पीसी में 1 GB का तो मिनिमम ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। और स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी मिनिमम 3 GB के आसपास होने वाली है। अगर आपको ये गेम HD क्वालिटी में खेलनी है हाई ग्राफिक्स पे, तो रिकमेंडेशन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अगर आप कुछ अलग तरीके का गेम्स चाहते हैं तो ये गेम आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है। इस गेम के बारे में बात करते हैं तो डेथ स्टैंडिंग गेम पूरी तरह से एक नए तरीके का एक्शन गेम है, जहां हमारा प्लेयर अलग अलग सिटीज़ में जाकर तबाह हुई सिटीज़ और वहां की सभ्यता को फिर से जोड़ता है। और इस गेम का गेम प्ले और स्टोरी लाइन सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्टोरी लाइन के बारे में हमें गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा। जहां तक इस गेम के रिलीज डेट के बारे में है तो ये गेम 8 नवंबर 2019 के आसपास हमें देखने को मिलने वाली है। और ये गेम अभी तक तो PS4 एक्सक्लूसिव ही रहने वाली है, बाकी PC पे रिलीज होने की आशंका 8 नवंबर 2019 के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी कई सारी गेम, जस्ट डांस 2020 जो नवंबर 5 को रिलीज होने वाली है, जो PS4, PC, Xbox One पे हमें देखने को मिलने वाली है। प्लेनेट जू जो नवंबर 5 को रिलीज होने वाली है और ये गेम सिर्फ PC पे ही देखने को मिलेगी। NFS हीट जिसकी वीडियो मैंने डिटेल में पहले से ही बना के रखी है। एज ऑफ एम्पायर 2 डिफेंडेड एडिशन जो सिर्फ PC पे नवंबर 14, 2019 को हमें देखने को मिलने वाली है। और अगर आपको आने वाली गेम्स के बारे में पता पहले से ही पता लगाना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू सून।